स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी अभी आप लोगों ने ये न्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, जो लोग स्वीडन आने के लिए सोच रहे हैं या फिर स्वीडन में है, कि जनवरी से लेके जून 2024 में बहुत सारे इंडियन, लाइक 2800 इंडियंस जो है वो स्वीडन छोड़ के जा चुके हैं। लोग बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन में है कि इतने सारे लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पब्लिश्ड इन द लोकल गेन्ड अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया। इंडियंस इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्वीडन आर मूविंग आउट। But why? Hundreds of thousands of immigrants from Iraq, Somalia, and several other war-torn countries. The local में ही पढ़ा था, उसके बाद बहुत सारे न्यूज चैनल में भी देखा, सही नहीं लगा मुझे। थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। लोग एक गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये सब न्यूज देख के। तो आज मैं कुछ बातें बताऊंगा। मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये जो नंबर है इतना बड़ा नंबर क्यों है, ये जो डेटा है, ऐसा नहीं कि ये सारे लोग इसी साल स्वीडन छोड़ के गए। स्कैटर वर्केट, यहाँ की जो टैक्स अथॉरिटी है, उन लोगों ने बहुत सारे केसेस जो है अभी क्लोज करे। लाइक हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो हमारा नाम रजिस्टर होता है, हमको एक पर्सनल नंबर मिलता है। 2019 में आया था, मुझे मिला था, 20 में नेहल को मिला था। तो बहुत सारे लोग जो 2021-22 या फिर 23 में भी आए थे, वो लोग जब स्वीडन छोड़ के कहीं गए थे दूसरे कंट्रीज, उनका नाम पॉपुलेशन रजिस्टर से जो हटाया जाता है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए वो पुराने केसेस भी क्लोज हुए, तो उसकी वजह से ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लाइक 2800 जो नंबर है, वो एक पहला रीजन है, ठीक है। और एक दूसरा रीजन जो यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है, वो है एक मिनिमम सैलरी। वर्क परमिट में जो लोग आते हैं, उनके पास जो जॉब ऑफर होना चाहिए या फिर वो लोग अगर कहीं पे काम करें तो उनको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखाना रहता है, और उसमें मिनिमम सैलरी जो है वो 27,000 समथिंग होना चाहिए, विच इज़ अ लिटिल बिट हायर। जो वाइट कॉलर जॉब है, जैसे कोई कंपनी में जॉब करता है, जैसे हम लोग आईटी में जॉब करते हैं या फिर कोई कंपनी में फाइनेंस में कोई काम करता है या फिर कुछ भी, उन लोगों की सैलरी ज़्यादा ही रहती है। बट जो लोग मान लो होटल्स में काम करते हैं या फिर और जॉब्स करते हैं, कोई बारबर है, तो उनकी सैलरी तो ऑफकोर्स यार कम ही होगी। सैलरी बढ़ाने के चक्कर में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग वो सैलरी को मैच नहीं कर पा रहे, तो उनका वर्क परमिट भी और एक्सटेंड नहीं हो रहा है। वो सैलरी एक्चुअली पहले थोड़ा सा कम था, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उन लोगों का उतना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो आप नहीं रह सकते, क्योंकि आप सिटीजन तो हो नहीं यहाँ के, और आपको कुछ एक टाइम पीरियड रहता है। अगर आपके पास पीआर है तो आप एक साल काम नहीं करके रह सकते हो, लेकिन आपके पास अगर वो दो साल वाला वर्क परमिट है तो वो तो कम होता है बहुत। चलो अब कुछ प्रैक्टिकलिटी के ऊपर आते हैं। जैसे उस न्यूज़ चैनल वालों ने बोला कि यहाँ पे लोगों को लोनलीनेस हो रहा है, यहाँ पे ठंड है, तो एक पॉइंट तो वो हो गया कि यहाँ पे अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। दैट इज़ ऑब्वियस, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप कुछ रिसर्च करके ही आओगे और आपको पता ही चल जाएगा कि स्वीडन कितना ज़्यादा लोनली है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला जाता है कि बहुत ठंड है। सीरियसली यार, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब कंट्री अगर आ रहे हो तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे तो अंधेरा रहता है काफ़ी टाइम और ठंड तो बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लेम रीजंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई अगर आ रहा है तो उसको ये चीज़ पता होनी ही चाहिए यहाँ पे एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का है। अभी स्वीडन में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है वो है गैंग क्राइम। As per some, what has changed is the attitude of the Swedes, which in part is a result of increase in crime, gun violence, riots. In fact, present-day Sweden carries the dubious distinction of having the highest rate of gangland killings in Europe. यहाँ पे बहुत सारे gangs होते हैं, drug related चीजें यहाँ पे बहुत सारी होती है, तो fight वगैरह होते हैं, shootings होती है, तो उसमें गैंग मेंबर्स आपस में लड़ते हैं। मतलब वो लोग कभी नॉर्मल इंसान को टारगेट नहीं करते, लाइक चोरी वगैरह, बट यार तुम्हारे आसपास अगर शूटिंग हो रही है, अजीब वगरीब लोग घूम रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि यार हमें थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए। आई थिंक इंडिया के कंपैरिजन में मुझे नहीं पता कि क्राइम क्या है, रेशियो क्या है। पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ में आया था कि लोग मूव हो रहे हैं, तो ये नहीं बताया गया था कि लोग स्वीडन से इंडिया मूव हो रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ भी जा सकते हैं। तो अगर उनको कहीं और सेफ फील होता है तो शायद लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं, तो वो एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। और एक जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे आप वर्क परमिट पे आते हो और आपकी फैमिली आपके साथ आती है, दो जन में से अगर कोई एक जन जॉब करता है तो यहाँ आने का कोई पॉइंट नहीं बनता। सीरियसली अगर आपके पास बच्चे भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आता है इंडिया से तो प्राइमरी पर्पस ये रहता है कि हम लोग पैसे सेव करें, कोई एक अच्छी क्वालिटी लाइफ लीड करने के बारे में सोच के ये नहीं आता। पहला चीज़ ये रहता है कि हम लोग अच्छे खासे पैसे यहाँ पे सेव करें, ठीक है। तो एक जन की सैलरी में ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आपके पास बच्चे हैं देन इट्स इवन मोर डिफ़िकल्ट। अगर इंडिया में दो जन जॉब कर रहे हैं लेकिन एक जन मान लो आईटी में जॉब कर रहा है, दूसरा बंदा या बंदी है वो
कोई कोर सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, फाइनेंस में हो गया, एचआर में हो गया, तो वो लोग जब यहाँ पे मूव करते हैं, मान लो जो आईटी में जॉब करता है उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो जॉब यहाँ पे करने लग गया, उसके साथ जो डिपेंडेंट आते हैं उनको यहाँ पे दिक्कत होती है जॉब ढूंढने में, क्योंकि यार मैं अच्छा खासा वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मेरी पैकेज अच्छी है और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और उसके बाद मुझे जॉब नहीं मिल रही क्योंकि मुझे स्वीडिश नहीं आती है। आई मीन दैट इज़ हाउ स्वीडन इज लाइक। यहाँ पे दूसरे सेक्टर में जॉब करने के लिए आपको लैंग्वेज सीखने की आवश्यकता है, लेकिन मैं अगर 10 साल जॉब ऑलरेडी कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं क्यों सीखूँगा लैंग्वेज? मुझे नहीं चाहिए। मैं इंडिया में हम दो जन कमाते हैं और काफ़ी अच्छे से रहते हैं, जो जॉब करता है उसको घर पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये एक रीज़न है जहाँ पे आप जा रहे हो छोड़ के, ठीक है। एक और रीज़न ये है कि अगर आप स्वीडन में हो और मुझे मान लो US में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है जाने के लिए, तो यार डेफिनेटली मतलब बिना सोच के ही जाना चाहिए। अगर आप कंपेयर करोगे सैलरी, तो स्वीडन की सैलरी और US की सैलरी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। बड़ा यहाँ पे थोड़े से फैसिलिटीज़ है, सोशल वेलफेयर है, हेल्थ केयर वगैरह, एजुकेशन, ये थोड़ा सा यू नो अच्छा है। जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो बोल रहा था उसका एक फ्रेंड है जो US में रहता है और अभी उनका एक बेबी हुआ है, हॉस्पिटल में उनको बिल आया है 194,000, लाइक 1,94,000 का बिल, 194K डॉलर, बहुत ज़्यादा होता है यार। स्वीडन में देखे तो वो 2 मिलियन के करीब होता है, तो 2 मिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। तो यहाँ पे 2 मिलियन आपका कभी खर्चा होगा नहीं, बट आप US में जाओगे तो ऑब्वियसली आप इंश्योरेंस वगैरह लोगे। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि मुझे और कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे नई नई जगह एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। आज मैं यहाँ पे हूँ, कल मैं जा रहा हूँ जर्मनी, फिर मैं जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड, फिर जा रहा हूँ US। तो जिसको एक्सप्लोर ज़्यादा करने का मन है वो भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जिसकी एक स्टेबल लाइफ है, जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और दो हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, मुझे कभी नहीं लगता कि वो यहाँ से जाएंगे। तो मेरा एक ही रीज़न है, मैं पहले से ही बोलते आया हूँ कि फैमिली, यहाँ पे आप फैमिली से दूर रहते हो, मम्मी पापा का एज भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर उनको थोड़ा सा यू नो सहारे की आवश्यकता रहती है। यही एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मैं सोच सकता हूँ कि यार मुझे इंडिया फिर से वापस जाना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का वो रीज़न भी हो सकता है, फैमिली इज़ प्रायोरिटी, एटलीस्ट हमारे इंडिया में। एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है कि यार एक बंदा जो यहाँ पे मेहनत करता है, मतलब जो लोग यहाँ पे डिलीवरी करते हैं, मतलब इतनी ठंड में स्कूटी चला के डिलीवरी करते हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या फिर मेहनत का काम है, ठीक है, उन लोगों की अगर आप सैलरी बढ़ा देते हो, वो यार मतलब उनको इंडिया में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, तो वो लोग यहाँ आते हैं कैसे कैसे करके आते हैं, कनेक्शन लगा के, फिर उसके बाद आप सैलरी बढ़ाते हो और उनका वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होता है, उनके लिए मुझे काफ़ी ख़राब लगता है। इवन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए यार, वो लोग पैसा कमाते हैं, टैक्स पे करते हैं, फिर उनको ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हो रहा है, जबकि आप रिफ्यूजी और असाइलम सीकर्स को इतनी आसानी से उनको यहाँ पे लाते हो, फिर उनको वो लोग का कुछ काम नहीं रहता, उनको फ्रीवीज मिलते रहते हैं और उनको उतनी अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ भी जीनी नहीं रहती है, तो वो लोग अपना चला लेते हैं। फिर वो लोग के पास यही काम रहता है, वो है स्वीडिश सीखना, तो वो सीख लेते हैं और स्वीडिश सीखने के बाद उनको सिटीजनशिप में तो अभी स्वीडिश की आवश्यकता नहीं है, बट उनको सिटीजनशिप भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसके ऊपर देखना चाहिए कि यार जो लोग तुम्हारे कंट्री में आके काम करके टैक्स वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कर पाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स फॉर देम। बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको यहाँ लाना ख़राब है, बट यहाँ लाने के बाद जिस तरह का माहौल यहाँ पे बन रहा है, तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए। तुम एक कंट्री से, ऐसी एक कंट्री से आ रहे हो जहाँ पे कुछ है नहीं, फिर यहाँ पे आके तुम ये सब चीज़ें करो तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, इतनी सुंदर सी कंट्री है, फिर उसको ख़राब करना तो मतलब दैट्स रियली बैड। इस तरह का माहौल रहेगा तो लोग जाएंगे, बट आई होप कि कुछ अच्छा ही करें जिससे स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ सके। आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस कंट्री कि इन्होंने मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया और यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, हमने कुछ कुछ लाइफ में थोड़े बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं, और लोग आके यहाँ पे गलत फ़ायदा उठाते हैं, चीज़ें ख़राब करते हैं, तोड़ते हैं,
गैंग वॉर करते हैं, उसके बाद रायट करते हैं. दिस इज़ रियली नॉट फेयर. तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग भी गुस्सा है, और शायद ये एक रीज़न हो सकता है लोगों का, मतलब इंडियंस का यहाँ से जाने का. तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो, और गलत इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा कंज्यूम ना करें, अपना रिसर्च खुद करें. एवरीथिंग गन बी ऑल राइट. आई सी इन द नेक्स्ट वन. और हाँ, आज तो नमस्ते स्टॉकहोम भी है. अगर आप स्टॉकहोम में हो, कुंगस्ट्रा गार्डन करके एक जगह है, वहाँ पे इंडियन फेस्टिवल होता है, बहुत सारे खाने की चीज़ें भी मिलती है. और होपफुली मैं भी जाऊँगा. आई थिंक 3 बजे ये वीडियो, 1-2 बजे मैं डाल दूँगा. तो मिलते हैं 3 बजे नमस्ते स्टॉकहोम में. सी यू देन, बाय.